एक शख्स है जिसने शादी किया। जी उसकी पहली बीवी से एक लड़का है, फिर उसके बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, फिर वो दूसरी शादी कर रहा है। उस आने वाली औरत से पहले से एक लड़की है, तो अब ऐसी हालत में ये लड़का और वो लड़की दोनों शादी कर सकते या नहीं कर सकते? जो मैं समझा हूं आपके सवाल से कि पहली बीवी से उसका जो बेटा है, उस बेटे का और दूसरी बीवी से जो पहले से बेटी है, जी जी उस जी बेटी का क्या दोनों का आपस में रिश्ता हो सकता है कि नहीं? क्या यही सवाल है जी आपका? यही सवाल है। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अपने बाप की बीवी कि जो बेटी है पहले शौहर से, उससे उसकी शादी हो सकती है, कोई मुजायका नहीं है इसमें। ऐसी सूरत में गोया कि एक तौर से बाप बेटा आपस में ससुर दामाद भी हो जाएंगे। वो जो लड़की है उसके बाप की रबीबा कहलाएगी, शरीयत की इस्तेलाह में उसको रबीबा कहा जाता है। तो उस बाप की शादी तो उस रबीबा से जायज नहीं है, लेकिन उसके बेटे की शादी उस रबीबा से जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है।